नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में, जहां पर आपको एनसीईआरटी सुपर साइंस कक्षा 6 to 12 के कंप्लीट नोट्स, उसके क्वेश्चन आंसर और किताब को भी पढ़ाया जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये जो सेशन चल रहा है हमारा, वो झारखंड के टेट की तैयारी, सुपर टेट की तैयारी, टीजीटी पीजीटी की तैयारी में आपको काफ़ी मदद करेंगे। और आज का जो हमारा अध्याय है वो 11 है, चैप्टर 11, जिसका नाम है इमारतें, चित्र तथा किताबें। और आप जानते हैं कि इस चैप्टर में मैंने फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट वीडियो को पढ़ा दिया है, और आज हम इसी चैप्टर के सेकंड पार्ट को जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम रिवाइज कर लें ताकि सेकंड पार्ट को जोड़ने में आसानी हो। तो हमने जाना कि किस तरह से लोह स्तंभ के बारे में, कि यह महारोली दिल्ली में स्थित है, इसकी ऊंचाई 7.2 है, इसका वजन 3 टन से भी ज़्यादा है, और इस पे जो नाम है वो चंद्र है, चंद्र खुदा हुआ है। फिर हमने स्तूप के बारे में जाना, प्रदक्षिणा पथ के बारे में जाना, वेदिका, सांची स्तूप, ये सभी जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। फिर हमने गर्भगृह के बारे में जाना, जो कि मंदिरों के निर्माण के लिए होता है। फिर हमने मंडप के बारे में भी जाना, और फिर हमने एकास्मिक मंदिर के बारे में जाना कि यह एक ही पत्थर से इसका निर्माण किया जाता है। तो इस तरह से हमने अपने पिछले पार्ट में इन सभी के बारे में जाना। अगर आपने इसे नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आज का हमारा जो मुख्य बिंदु है वो है अजंता की चित्रकला। तो आप जानते हैं, यहाँ पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई हैं, और ज़्यादातर ये बिहार है। बिहार आप जानते हैं बौद्धों से संबंधित है, जहाँ पर ये निवास करते हैं, और इसे चित्रों से सजाया गया है। ये जो रंग है वो आज भी चमकदार है, आज भी स्थित है। ये जो रंग है उसका उपयोग जो है वो पौधे और खनिजों से किया गया है, खनिजों से इन चित्रों को बनाया गया है, रंगा गया है। नेक्स्ट है महाकाव्य। तो जो महाकाव्य है वो रामायण है और महाभारत है। नेक्स्ट है शिल्पाधिकारम। तो देखिए, शिल्पाधिकारम ये भी महाकाव्य है, और ये तमिल का महाकाव्य है, और यह 1800 साल पहले इसकी रचना होती है, इलांगो ने इसकी रचना की है। और इसमें जो कथा है, इसमें जो कहानी है वो प्रेम कहानी है, जो कि कोलन और कन्नगी की कहानी इसमें प्रस्तुत की गई है। फिर इसके कहानी को और आगे जब बढ़ाया जाता है मणि मेखलई में, ये भी तमिल का ही महाकाव्य है, और इसकी रचना 1400 साल पहले की गई है सतनार के द्वारा। और इसमें कोवलम और माधवी की बेटी की कहानी इसमें लिखी गई है। और नेक्स्ट है मेघदूत। इसकी रचना कालिदास ने किया है, और जो वाल्मीकि है उन्होंने संस्कृत रामायण की रचना की है। चरक, इन्होंने चरक संहिता लिखा है, और यह आयुर्वेद का चिकित्सा की ये पुस्तक है, और चिकित्सा विज्ञान की एक, ये कह सकते हैं कि एक विख्यात पद्धति है, और यह जो है वो प्राचीन भारत में विकसित हुई है। नेक्स्ट है सुसूत्र। इन्होंने सुसूत्र संहिता की रचना की है, और ये जो है पुस्तक वो शल्य चिकित्सा की विधि का वर्णन करता है। नेक्स्ट में आज हम पढ़ेंगे चीन के बारे में और कागज के निर्माण के बारे में। तो देखिए, 1900 साल पहले काइलून नाम के व्यक्ति ने इसकी खोज की। पौधों के रेशे, कपड़े, रस्सियाँ और पेड़ की छाल को पीटकर लुगदी बनाया जाता था, और फिर पानी में भिगोकर उसे निचोड़कर सुखाकर कागज बनाया गया। और फिर ये जो ज्ञान है, फिर कोरिया, जापान और 1800 साल पहले बगदाद में पहुंच जाता है, और धीरे धीरे वहाँ पर भी कागज़ का जो निर्माण है वो आरंभ हो जाता है। फिर इसके बाद यूरोप, अफ्रीका और एशिया में भी ये जो ज्ञान था कागज़ के निर्माण का, वो इन देशों में भी आता है। और आप जानते हैं कि जो लुगदी है, ये जो कागज़ है, वो शंकुधारी पौधे पेड़ से बनाया जाता है। ये नरम काष्ठ होता है, नरम लकड़ी होती है,
तो इस तरह से जो हमारा अध्याय 11 है आपने जाना, इमारतें, चित्र तथा किताब, इस चैप्टर का नाम है। आज के लिए इतना ही, आज यहीं पर समाप्त होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम कक्षा 7 के हिस्ट्री को पढ़ेंगे। तब तक आप अपने तैयारी को जोरों पर रखें और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।